जहां तो गुजरात से सटे मध्य प्रदेश में बाढ़ ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। विभीषिका इतनी भयावह है, बड़ी है कि सरकारी अमला की सबसे बड़ी प्राथमिकता इस त्रासदी से पार पाना है। कई जगहों पर नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के तमाम बांध जलमग्न है, लिहाजा मजबूरन पानी छोड़ना पड़ रहा है। ये पानी आसपास के इलाकों के लिए भी बड़ा संकट बन चुका है, खतरा बन चुका है। इन छह तस्वीरों को देखिए, नर्मदापुरम, रतलाम, गुना, हरदा, राजगढ़ और विदिशा की ये तस्वीर, हर जगह आफत। बाढ़ और बारिश से अस्त व्यस्त मध्य प्रदेश, अगस्त में भी आपदा से त्रस्त मध्य प्रदेश, यूं तो सूबे में फिलहाल बारिश थमी है, लेकिन परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही। अनचाही लहरें सब कुछ बहा ले जाने को बेकल हैं। बांधों से छूटा पानी नदियों के जरिए आकर मानो समंदर का रूप लिए हुए है। हजारों हजार हेक्टेयर फसल बर्बाद है, जीना मुहाल है। इसी के बीच ये तस्वीर वायरल है। ये तस्वीर है हादरा जिले की। मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर कोकरावत में बारिश की वजह से ये बरसाती नदी उफान पर है। इन मुश्किल परिस्थितियों में इस महिला को प्रसव पीड़ा उठी। घर वालों और गांव वालों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन बेबसी कुछ ऐसी थी कि कोई कुछ कर नहीं सकता था। ऐसे में इस महिला को ट्यूब पर बैठाकर नदी पार कराया गया। ये काम जान हथेली पर लेने जैसा था। शुक्र है कि महिला अस्पताल तक समय पर पहुंच गई। रावत गांव में प्रसव पीड़ा के उपरांत एएनएम के द्वारा 108 को फोन लगाया गया, जिसके उपरांत तुरंत 108 उस गांव के करीब पहुंच गई। क्योंकि पानी भरा हुआ था उसके घर तक पहुंचने में, इसलिए उस जगह को ट्यूब के सहारे उसको पार करवा के एम्बुलेंस में पहुंचाया गया। एम्बुलेंस वाले उसे ले जाके हरदा छोड़ के आए, जहां उसका प्रसव हुआ। वर्तमान में महिला एवं बच्चा दोनों ही स्वस्थ है। दरअसल लगातार तवा और बरगी बांध से पानी छोड़ जाने के कारण हरदा जिले में नर्मदा अपने रौद्र रूप में बह रही है। नर्मदा उफान पर होने से हंडिया और नेमावर घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। पानी के बढ़ने का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि नेमावर घाट में ऊंचाई पर बने शनि मंदिर और प्रसाद की दुकानें डूब गई हैं। नर्मदा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हरदा में नर्मदा का जल स्तर 271 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे है। प्रशासन ने नर्मदा किनारे अलर्ट जारी कर एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीमें तैनात की हैं। जिले में राहत की बात यह है कि बारिश का दौर थमा हुआ है, जिससे नर्मदा की सहायक नदियों का जल स्तर सामान्य हो रहा है। लोगों तक राहत पहुंचाने में राज्य सरकार जी जान से लगी है, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों पर बाढ़ का पानी फेर दे रहा है। अब हमारी कोशिश यही है कि वर्गी के गेट कल खुले थे, उनका पानी यहाँ सीहोर और नर्मदापुरम जिले में और नीचे आने में लगभग 36 घंटे लगते हैं। तो जब तक वहां का पानी आए, तब तक तवा और बारना के गेट या तो बंद कर दिए जाएं, या पानी का डिस्चार्ज वहां से काफी कम कर दिया जाए, ताकि अचानक विशाल जलराशि हर एक बांध की नर्मदा जी में ना आ पाए और भारी बाढ़ की स्थिति ना बने। बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, साथ ही बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा भी। इसी के तहत वो नर्मदापुरम पहुंचे। यहाँ नर्मदा और विकराल है। आलम यह है कि जीवन दायिनी नर्मदा खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर बह रही है। ये तस्वीरें हैं गुणा की। जल स्तर अचानक बढ़ने से यहाँ 18 गांव वाले फंस गए। उन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को लगाना पड़ा। कुलवा गांव का एक इशू मॉर्निंग में हमारे संज्ञान में था। 18 लोग हैं इसमें, महिला पुरुष और बच्चे भी हैं। अभी हमारी टीम वहाँ पहुँच गई है, उनसे संपर्क भी कर लिया है, बोर्ड भी उससे पहुँच गई है एंड लगभग अभी उनका भी एवैक्यूएशन की कार्रवाई अभी लगभग। जिन तक एसडीआरएफ की टीमें पहुंच गई वो भाग्यशाली हैं।
लेकिन इसी जिले में एनएफएल कर्मचारी के बह जाने की आशंका है। चौपट नदी की पुलिया के ऊपर से बह रहा पानी शायद उन्हें उनकी कार समेत बहा ले गया। उनकी तलाश जारी है लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। हरदा से लोमेश कुमार गौर के साथ रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।